बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नुरुद्राम लोहड़ी और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको पता होगा कि कई दिनों से ये लोगों के अंदर ये दिलचस्पी बनी हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर ब्लड पेपर से चुनाव होगा, क्योंकि आपको पता है कि ईवीएम में ज्यादा उम्मीदवारों को नहीं जोड़ा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 ईवीएम है वो किसी बूथ पर, एक बूथ पर लगाई जाती है। अगर कैंडिडेट 100 के पार चले जाते हैं तो वहां पर ब्लड पेपर से है वो चुनाव होते हैं, और यही उम्मीद है वो वाराणसी की लोकसभा सीट पर लगाई जा रही थी। इसका कारण ये भी था कि वाराणसी की लोकसभा सीट से, हमने भी आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि यहाँ से 119 नामांकन पत्र खरीदे गए थे, 119 नामांकन पत्र खरीदे गए थे। तो लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि यहाँ पर सपा बसपा गठबंधन के अलावा, कांग्रेस के अलावा, बीजेपी के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि तेज बहादुर यादव का है वो नामांकन रद्द हो गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि केवल मात्र तेज बहादुर यादव का ही नहीं, बल्कि यहाँ पर कई लोगों का है नामांकन रद्द हुआ है। तो आपको बता दें पहले तो कितना और क्या कुछ यहाँ पर स्थिति रही। आपको तो पहले ये बता दें कि यहाँ पर करीब 125 के करीब है अंतिम समय तक, जो 29 अप्रैल उस दिन तक नामांकन पत्र है वो खरीदे गए थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि 119 नामांकन पत्र है वो दाखिल किए गए थे, 119 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, और इन पत्रों को दाखिल करने वाले 102 आदमी थे। कई कईयों ने अपने डम्मी फॉर्म के साथ दो दो फॉर्म लगाए थे। तो इस वजह से आपको बता दें कि 102 प्रत्याशियों ने 119 यहां पर नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनके अंदर तेज बहादुर यादव भी शामिल थे, कांग्रेस के अजय राय भी थे, और वर्तमान में अब बच्ची शालिनी यादव जो समाजवादी पार्टी की वो भी शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सीट से है वो शामिल थे। तो यहां पर आपको बता दें कि 119 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे और 102 आदमियों ने है वो दाखिल किए गए। तो अब आपको बता दें कि इन पे बड़ा है वो गेम, आप इसे मान सकते हैं बहुत ही बड़ा गेम यहाँ पर खेला गया है वाराणसी के अंदर। और 119 नामांकन पत्र थे उनमें से 88 नामांकन पत्र थे वो उसको खारिज कर दिया गया। केवल तेज बहादुर यादव का ही नहीं, बल्कि तेज बहादुर यादव सहित 71 आदमियों के नामांकन पत्र है वो रद्द कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट से तेज बहादुर यादव के अलावा 70 और तेज बहादुर यादव सहित 71 लोगों के नामांकन पत्र है वो खारिज किए गए हैं। इनके मुताबिक 88 पर्चे है वो खारिज कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें यहाँ की, तो अब यहाँ पर 31 आदमी है चुनाव लड़ने वाले पा चुके हैं वाराणसी की लोकसभा सीट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नरेंद्र मोदी के अलावा 30 आदमी और मैदान में होंगे। तो 31 आदमी कुल मिलाकर वाराणसी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और आप ये जहां कहां पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि करीब 100 के भी पार है वो लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये आंकड़ा घटकर नामांकन वापसी और पूरी तरीके से इस तस्वीर साफ होने के बाद ये साफ हो चुका है कि वाराणसी लोकसभा सीट से 31 आदमी है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार है अजय राय, और सपा बसपा गठबंधन की उम्मीदवार यहाँ पर रहेगी शालिनी यादव। इसके अलावा भी आपको बता दें कि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों के उम्मीदवार, इसके साथ अलग अलग निर्दलीय उम्मीदवार सहित यहाँ पर 31 लोग है वो मैदान के अंदर होंगे। तो ये बड़ा एक आपको जानकारी बता दें, टीवी नेशनल मीडिया करने पर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा की सीट है वहां पर केवल मात्र तेज बहादुर यादव का ही नहीं, बल्कि 71 लोगों का कुल मिलाकर नामांकन पत्र है वो रद्द किया गया है। और इन 71 लोगों ने 88 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनका फोरम नामांकन रद्द कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और वहां की प्रशासन के द्वारा। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला आपको अगर देखने को मिलता अगर बुलेट पेपर से ये चुनाव होते तो, कि देश के अंदर ईवीएम होती है नहीं या इन तरीके की भी चीजों का सामने आ जाता। लेकिन अब भी आपको बता दें कि वाराणसी की लोकसभा सीट से अब ईवीएम से ही चुनाव होंगे। मिलेंगे किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ। आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद आया होगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे।